पानी दो दुर्ग शहर को पानी दो। हार लोकसभा में भी बहुत लंबी हार होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और दुर्ग शहर की जनता को जो गलती है आज मोर वार्ड के एक एक आदमी पानी पर ग्रहित रही हो गए कमिश्नर की लापरवाही है। कमिश्नर अगर पता है वो मन निगम के कोई कर्मचारी फोन नहीं उठाए, नारायण बोलना नहीं उठाए, पर काम बोलना नहीं उठाए। नगर निगम के क्षेत्र में जितने लोग हैं सूचना देना चाहिए ना भाई। बरसात में पानी की संकट प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति से कहीं ज्यादा प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। बारिश होने के कारण से पूरा खेत वे में जाकर के डूब गया, पाइप लाइन में जाकर फंसने से पूरा पाइप लाइन से पानी यहाँ सप्लाई नहीं हुआ। खोज रहे हैं इसके बावजूद पूरे दुर्ग शहर के सड़कों के गड्ढे के हाल देखिए, दुर्ग शहर में बिजली का हाल देखिए। आज इस मोहल्ले में जल रहा, कल वहां नहीं जल रहा है। मुख्य रूप से पेयजल का पिछले 5 दिनों से दुर्ग शहर पानी का है। कई शहर के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ना तो बोर है ना तो कोई अन्य साधन, तो नगर निगम के नल के भरोसे लोग जीवित हैं और 5-5 दिन से नगर निगम का पानी अपना बड़ा संकट हो सकता है। दुर्भाग्य है कि निगम प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधि जो निगम के मुखिया है इस ओर ध्यान देने की बजाय कहां गायब ये पता नहीं चल रहा है। निगम प्रशासन के द्वारा हम जैसे जनप्रतिनिधियों को कोई भी ऐसी वास्तविक जानकारी नहीं दी जा रही है जिससे हम जनता को बता सके कि पानी हम आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। आज भी अगर हम कोई जवाब नहीं दे पाते, लोग यहाँ फोन लगाते हैं, उनको ये कहा जाता है कि शायद 2 या 3 दिन में पानी मिल जाए। आज भी हम ये कहने की स्थिति में नहीं हैं, शाम को पानी नहीं पाएंगे। स्वाभाविक तो बिल्कुल होंगे, उनके पास पानी का कोई साधन ही नहीं है, डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे। आयुक्त महोदय ने कहा है जैसा कि अभी जानकारी दिया है उन्होंने कि जो तकनीकी प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक प्रयास हुआ ही नहीं, प्रयास चल रहा है, शायद उनको परिणाम मिल जाएगा ऐसा उनका आश्वासन दिया है। तब मजबूरी में हम सब जनप्रतिनिधि आज यहाँ खड़े हैं, जब अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देने में असमर्थ हुए हैं तब आकर हम आज यहाँ निगम प्रशासन के खिलाफ हैं। निगम के चक्कर के लिए यहाँ की व्यवस्था भी नहीं, दुर्ग शहर के महापौर के चुनाव यहाँ समय बहुत लंबी हार और लोकसभा में भी बहुत लंबी हार होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और दुर्ग शहर की जनता को जो पानी की जो दिक्कत उनकी निश्चितता के कारण जो हो रही है अच्छे शहर की जनता भुगत रही है। और रही बात सरकार की है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही हैं जो दुर्ग शहर के उन व्यक्ति जनताओं की आज भी लड़ रही है, लेकिन सोया हुआ है इस शहर का मुखिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या ना हो वो जनता के हित के मुद्दे को नगर निगम और आखिरी जनता उठाती है। आयुक्त से उम्मीद तो ऐसे दुर्ग शहर में आयुक्त के कारण मुझे कोई बहुत बड़ा सराहनीय नहीं लगता और वो हमेशा से सिर्फ आश्वासन देते आए हैं और इस बार भी आश्वासन मिलेगा और मुझे नहीं लग रहा है कि 2 या 3 दिन जनता को पानी मिलेगा। घर में पानी नहीं आया, नल नहीं आया, 4 दिन 5 दिन से कमिश्नर और महापौर की गलती है। आज मोर वार्ड के एक एक आदमी पानी पर ग्रहित रही हो गए, कमिश्नर की लापरवाही है। कमिश्नर अगर पता है वो मन ला महापौर निष्क्रिय हो गए, महापौर अपन हार के फतेह मेरे हार गए होकर विधानसभा चुनाव ला तो हार के नाम से दुबक से बैठ के अपन घर में। अरे कमिश्नर ना एक्टिव होना चाहिए, कमिश्नर जिंदा होना चाहिए, कमिश्नर ने लोगों ने पानी पिया तो जिम्मेदारी होकर ड्यूटी है, वो फोन ना नहीं उठाया। कमिश्नर यहाँ देखे निगम के कोई कर्मचारी फोन नहीं उठाए, नारायण बोलना नहीं उठाए, पर काम बोलना नहीं उठाए। नगर निगम के क्षेत्र में जितने लोग हैं सूचना देना चाहिए ना भाई, आज नल नहीं आएगा, शाम को नहीं आएगा, कल आएगा, सुबह आएगा, रात में आएगा, रात में 2 बजे पानी आई, रात में 2 बजे पानी भरेगा कोई आदमी? ये नगर निगम का ये रूपरेखा बन गया, इनका ये ड्यूटी करने का तरीका ये, कोई फोन नहीं उठाता। कमिश्नर जी को फोन लगाया मैं, फोन नहीं उठा दे, एक लाइन बोलते मैं देखता हूँ, अगर बाई चांस अगर उनका मूड हो गया फोन उठा लिए मैं देखता हूँ। हाँ मूड हो गया तो ऐसे कभी फोन उठा, हाँ वो मूड के ऊपर रहता है उनका और वो भी उनका जवाब ऐसा रहता है मैं देखता हूँ, कभी देखते नहीं है वो, पता नहीं आज तक नगर निगम को ढंग से देखे नहीं देखे। मैं समझता हूँ पूरी की पूरी निष्क्रिय रहता और पूरी लापरवाही दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर के। आज दुर्ग नगर के जितने भी लोग हैं
राजधानी को रो रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ दुर्ग महापौर और ये कमिश्नर की निष्क्रियता है। ये काम नहीं करना चाहते और लोगों को आज परेशान कर रहे हैं। मनार भैया थे यहाँ पर, सरकार ने निगम में जिस तरह से त्राही त्राही पानी के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, जनता को सुविधा सर का दुर्भाग्य है। अमृत मिशन के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपये दिए हैं, पर एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से नगर कांग्रेस की परिषद काबिज हुई है, भरूच शहर की जनता पानी के लिए तरस रही है। गर्मी में पानी के लिए तरसते थे, बरसात में भी पानी के लिए तरस रहे हैं, और बरसात में पानी की संकट प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति से कहीं ज़्यादा प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। पुलगांव नाला तो 2018 में सफाई हुआ था, इस पुलगांव नाला में दुर्ग शहर की आधी आबादी का गंदे पानी का निकास होकर नाला में जाता है। उस नाला को उन्होंने गंदे पानी को डाइवर्ट करने के लिए वो नाला डाइवर्सन कार्य 1.5 साल से बंद करके रखा है। उस पॉलिटिकल कोर से नदी को गंदा पानी मिलने से रोकना था, लेकिन इन लोगों ने जिस कारण से रोका ये कोई अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। उस गंदे पानी को इंटरवेल बनाकर बांधने के कारण ये हुआ है कि गंदे पानी रुकने के कारण जलकुंभ और उसमें पन्नी कचरा जाम हो गए, और जैसे ही बरसात में बाढ़ आती है तो जलकुंभी पन्नी कचरा वो बाढ़ से के कारण इंटरवेल में साइफन में जाकर फंसता है, और इसी कारण बार बार जल संकट हो रहा है। बाढ़ में पहले भी जल संकट होती थी, लेकिन इतने 55-70 दिन तक पानी नहीं आना दुर्ग शहर के लिए कभी ऐसी स्थिति में भी पास। बिल्कुल, पिछले बार भी इस मुद्दे को मैंने उठाया था और प्रशासन को आघात किया था। नगर निगम में महापौर है कांग्रेस की, उनको मैंने कहा था, कमिश्नर को कहा था कि आप इसे समय रहते नाले की सफाई करवा लीजिए, या जो नाला डाइवर्सन कार्य है उसको आप पूर्ण कर दीजिए। नाला डाइवर्सन कार्य पूर्ण हुए ना नाला सफाई हुआ, इस कारण ये पानी की संकट हो रही है। अन्यथा इतने दिनों तक पानी की संकट, बारिश में पानी पूरा चारों तरफ पानी हो गया, नदी अपने समाप्त पर है, जल भराव जगह जगह हो रहा, लेकिन जनता को ही बारिश के समय पानी नहीं मिलता। गर्मी के समय अगर जनता का कूलर है, चीजें उपकरण जो है गर्मी में चलता है, बारिश में पानी की कमी, अब जनता क्या करे? इन दोनों के बीच में आकर जनता तो पिस गया। बिल्कुल, जनता समझ रही इस बात को, इसलिए मैं दूसरे अवसर की जनता ने जो पूर्व विधायक रूम पूरा है जिसके कारण ये पूरी व्यवस्था उनको उनकी वास्तविकता धरातल दिखाया। अब नगर निगम में कांग्रेस की परिषद है और मुझे विश्वास है जनता इस बात को समझ रही है कि नगर निगम में जो परिषद कार्य है वो कार्य संभालने में नाकाम है। आयुक्त महोदय पूरे प्रशासन का मुखिया होता है नगर निगम, हम लोगों ने उनसे मांग किया है कि यदि आज पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो हम लोग फिर सड़क में उतरेंगे और जनता इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी करेगी और उग्र प्रदर्शन। इस मामले में इसकी जरूरत, देखिए हम लोग को भरोसा है आयुक्त महोदय ने बात को गंभीरता सुना है, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जाली सीमेंट जो इंटरवेल है उसमें बहुत ज्यादा कचरा पत्थर है और 24 MLD जो इंटरवेल है वो चालू है, तो गर्मी पानी भरा गर्मी के समय पहली बारिश तो पहली बार नहीं आई, पहली व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते? पहली बार करना चाहिए, हम लोग लगातार भाजपा पार्षद इसका मांग लगातार करें, आप लोगों ने भी इस विषय को दिखाया भी है, हम लोगों ने आंदोलन में कहावत है जब आइस बरात तब वोटर तक इसका पास, मतलब बारिश में ही सारी सुविधाओं को करने के लिए डालते हैं, बारिश से पहले बारिश में होने वाली समस्याओं पर क्यों ध्यान नहीं दिया? रूप नगर निगम में से ही अभिवृत्ति बन गई है, आग लगता है तो कुआं खोदते हैं, जब भी समस्या आती है तभी लोग जागते हैं, पहले से कोई व्यवस्था नहीं करते। आप देखे होंगे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी परिषद में जब बरसात होती थी तो बरसात से पहले 2 महीने पहले काफी तैयारी, साफ सफाई, विभिन्न जो बरसात पूर्ण तैयारी की होता था, अगर गर्मी आती थी तो गर्मी के पहले हम लोग पानी की व्यवस्था की तैयारी करते थे, लेकिन ये परिषद में कोई इच्छा शक्ति नहीं, केवल इन लोग कुर्सी में बैठकर पद का सुशोभित कर रहे हैं, जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, मतलब कोई लगाव है, इस कारण लोग भटक रहे हैं। 5 साल से यहाँ पे महापौर बैठे कांग्रेस का, पुलगांव नदी वाले जो जलकुंभ है उसको आज तक सफाई नहीं किया है, वो जलकुंभ में बारिश होने के कारण से पूरा इंटेक वे में जा करके डूब गया, पाइप लाइन में जा फंसने से पूरा पाइप लाइन से पानी यहाँ सफाई नहीं हुआ, दुर्ग शहर की जनता को 5 दिन से पानी नहीं मिल पा रहा यहाँ बारिश के समय, उस मांग को लेकर के आए हैं। दूसरी बात स्ट्रीट लाइट की, हर वार्ड में 50% पोल का स्ट्रीट लाइट बंद है, जिसके कारण से बहुत सारे एक्सीडेंट, डकैत, चोरी, ऐसे ऐसे मामला हो रहे हैं। दुर्ग शहर में ना ये महापौर स्ट्रीट लाइट का ना एक सेट भी नहीं ला पाया है, और दूसरी बात कुछ लाइट पड़ा है तो उसका हम कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं बन पा रहा,
के कारण से आज हम लोग कुछ राशन का मामला है, इस सब को लेकर के आज महापौर को ज्ञापन देने आए थे। महापौर यहाँ नहीं है, वो तो भाग गए हैं, लेकिन आज कमिश्नर साहब मिला है। कमिश्नर साहब को हमने 3 दिन का आश्वासन दिए हैं, 3 दिन के अंदर अगर शहर को सही पानी नहीं देता, स्ट्रीट लाइट नहीं बनवाता, राशन कार्ड के संज्ञान में नहीं लेते, तो हमने पूरे वार्डों के जनता के साथ मिलकर के ग्रुप नगर निगम का घेराव भी करेंगे। और अनशन जनता क्या करे, जब तक पीने को ही पानी तो जनता नहीं, हम तो 3 दिन का आश्वासन दिए हैं, तो 3 दिन तक जनता क्या वही गंदगी पानी। अरे गंदगी अब पी ही रहे, 5 दिन तो हो गया भाई, 5 दिन से परेशान है, कैंप लगाएंगे, उसी को डायरिया मलेरिया का कैंप लगाएंगे। बस इनका काम ही वही है, झूठा आश्वासन देना है। 5 दिनों से दुर्ग शहर में पानी नहीं आ रहा है, आप किसी भी मोहल्ले में जाकर पूछ लीजिए, अभी आया तो कल नहीं आया, शाम को आया सुबह नहीं आया। और माननीय महापौर जी विधानसभा चुनाव के बाद अपने घर में घुस गए हैं, शहर में नहीं दिख रहे हैं, शहरवासी उन्हें खोज रहे हैं, इसके बावजूद पूरे दुर्ग शहर के सड़कों के गड्ढे के हाल देखिए, दुर्ग शहर में बिजली का हाल देखिए, आज इस मोहल्ले में जल रहा कल वहां नहीं जल रहा है, और इसके साथ साथ पानी लगातार नहीं आ रहा है, आवारा पशुओं की बड़ी खराब गति है। इन सारे मुद्दों को लेकर भाजपा पार्षद दल ये मानती है कि ये निगम महापौर विहीन है, महापौर होते हुए भी यहाँ उनको कोई चिंता नहीं है इस शहर की, इसलिए भाजपा पार्षद दल आज आयुक्त को आके ज्ञापन दी है कि आप तुरंत इन व्यवस्थाओं को ठीक करें। क्या बोले माननीय आयुक्त जी ने 3 दिन का आश्वासन दिया है, 9 महीने से राशन कार्ड नहीं बना इस निगम में, तो क्या लगता है अगर वो नहीं करेंगे तो हम उन्हें ठीक कर देंगे। माननीय महापौर जी अपने घर में सोए, इसे अभी ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथ में लेंगे। हम चुनाव लड़े हैं, हमने लोगों को जुबान दिया है, हमने कहा है तुम्हारे सुख दुख में साथ रहेंगे, ये पद्मनाभपुर के बंगले में घुस जाएंगे, पर हम तो मोहल्लों में रहेंगे, हम कहां जाएंगे। इन्हें पानी की पीड़ा, इन्हें गड्ढों की पीड़ा तब पता चलता जब ये चंडी चौक में रहते, जब ये उगला बघेरा में रहते, जब ये तितूडी में रहते, जब ये शंकर नगर और कसाईडी में रहते। इन कार से आना, कार से जाना, गड्ढा पता नहीं चला महापौर ला, एक घाम उतर के देख गुरु शहर के सड़क में माननीय महापौर जी। और यह आक्रोश आपका जायज नहीं है कि जनता ने आपको विधानसभा में, जनता ने आपको लोकसभा चुनाव में हराया है, तो आप उनके लिए काम करना बंद नहीं कर सकते। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में काम करना आपके दायित्व में है, आप घर से निकलिए और निगम की व्यवस्थाओं को संभालिए, यह आह्वान है आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से। और आयुक्त को हमने अल्टीमेटम दिया है, 3 दिन के भीतर अगर व्यवस्था नहीं सुधारेंगे तो पूरे दुर्ग शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लोकतांत्रिक प्रदर्शन वो करेंगे। नौबत आन पड़ेगी ऐसा लग रहा है, इनकी नौबत इसलिए आन पड़ेगी, आपके प्रश्न में जो मेरे मन में विरोधाभास आ रहा है उसे मैं बता दूं कि प्रदेश में आज मेरी सरकार है वो महतारी बंधन को बराबर जी रही है, वो अधोसंरचना का रुपया भेज रही है, पर इस महापौर के अपने चहेतों को, अपने लोगों को बंदर बांट करने के कारण दुर्ग शहर के नागरिकों का सामान्य सा काम, बिजली का जलना, पानी का मिलना, राशन कार्ड का बनना, ये तक नहीं हो पा रहा है, ये केवल और केवल महापौर की उदासीनता के कारण है, इसलिए हम महापौर को ज्यादा दोषी मान रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो है भाजपा के जो पार्षद दल है वो आक्रोश होकर आयुक्त के पास पहुंचे थे दुर्ग निगम में, और समस्याएं कितनी है, कितनी गंभीर है, सदा पानी की समस्याओं को लेकर जनता जो है तरस रही है, गंदा पानी आ रहा है, नल में कब आ रहा है, कब जाएगा, उसका कोई जानकारी कोई भी कर्मचारी नहीं दे पा रहा है, ऐसे में जो है जनता कब तक पिसती है ये तो आप देख ही सकते हैं, ऐसे अगले बने रहेंगे।